हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल एलोय। तो आप सभी लोगों की दिवाली कैसी रही? हमारी दिवाली तो काफ़ी ही मस्त और अच्छी रही। आप सभी लोग देख सकते हैं, आज हमारी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से और यहाँ पे हम लिख रहे हैं माता लक्ष्मी के पग चिन्ह और वो भी हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों द्वारा। तो छोटी सी रानी अन्ना की कहानी में बिना देरी करते हुए आप सभी को ले चलती हूँ हमारी वीडियो की। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं माता लक्ष्मी के पग चिन्ह और आगे भी काफ़ी कुछ होने वाला है। तो बिना देरी करे हुए आप सभी लोगों को आगे ले चलते हैं। तो वीडियो में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे अब स्टिकर का टाइम हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी विस्वार यानी कि चावल को घोल करके और उसे पीस करके उसके बाद इसे बनाया जाता है, क्योंकि अभी हमारे ससुराल में ये परंपरा अभी भी लागू है। और आप सभी लोग देख सकते हैं मम्मी जी और हमारे द्वारा काफी ढेर सारे पग चिन्ह बनाए गए जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। माता लक्ष्मी के पग चिन्ह से पहले हमने बनाया था तुलसी का गमला, आप सभी लोग देख सकते हैं। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, आप सभी लोग भी अब हमें बताइएगा कि आप सब लोग को कैसा लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और उसके बाद हमें काफ़ी लेट हो चुकी और हमें काफ़ी ढेर सारी रंगोली बनानी थी, तो हमने फटाफट मम्मी जी और हमने मिल के दोनों ही रंगोलियाँ कम्प्लीट करी। तो पहली रंगोली आप सभी लोग देख सकते हैं, ये भी हमारी कंप्लीट होने को जा रही है। और हम लोगों को उसके बाद बनानी थी महालक्ष्मी, तो उसके लिए भी, और उसके बाद हमें बनाना था खाना। और शाम के बज चुके थे, सारा काम करते करते शाम के 4 बज चुके थे और जल्दी आजकल अंधेरा हो जाता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा 5:30 बजे होते होते अंधेरा ही हो जाता है और लगता है कि रात हो गई। तो उसी वजह से सारे काम और हमें जल्दी करना पड़ा। और उसी के साथ हमारी ये वाली अल्पना कंप्लीट हो चुकी है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आप सभी लोगों ने भी काफ़ी खूबसूरत रंगोलियाँ बनाई होंगी। और ये रही हमारी सेकंड रंगोली और मम्मी जी अभी से डेकोर कर रही है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश हम सब के जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए, यह वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। जैसे कि आज सुबह से ही थका देने वाला काम होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, महालक्ष्मी के दिन खास तौर से महिलाओं का बहुत ज़्यादा काम होता है। और आप देख रहे हो बहू और मैं भी घर के छोटे मोटे काम, चाहे वो अपन बनाने हों, चाहे वो पकवान बनाने हों, चाहे रंगोली बनानी हो, चाहे मंदिर में महालक्ष्मी को सजाना हो, बनाना हो, तो महिलाओं का ही बहुत ज़्यादा काम होता है। तो पुनः आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। तो आप सभी लोगों ने देखा कि मम्मी जी ने कितनी प्यारी रंगोली सजाई थी, उसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी मम्मी जी की रेडी हो चुकी है और मम्मी जी भी रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब पूजा की तैयारी कंप्लीट हो रही है और हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोग सोच ही रहे होंगे। तो थोड़ी देर में हम भी दिखाई देंगे, क्योंकि हम लोग होने गए थे तैयार और मम्मी जी तैयार होकर फटाफट सारे काम पूरे कर चुकी थी। और यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं हमारी महालक्ष्मी कितनी सुंदर बनी हुई है। वैसे घर की लक्ष्मी एक लक्ष्मी को बनाती है, तो वैसे तो सभी की लक्ष्मियाँ काफ़ी खूबसूरत बनी होंगी, आशा करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ, क्योंकि हर लक्ष्मी घर की, जैसा कि आप सभी लोग मानते हैं या हम लोग भी मानते हैं कि घर की लक्ष्मी जो होती है वो एक गृहिणी ही होती है, तो वो अगर एक लक्ष्मी को बनाए तो ऑब्वियस है कि वो खूबसूरत ही बननी है। तो यहाँ पे लो जी, हम लोग भी आ चुके हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोग भी रेडी होके यहाँ पे पूजा में पहुँच चुके हैं। पापा जी हम और अर्ना, अर्ना की बुआ जी हमारी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, क्योंकि हम लोगों को पूजा में बैठने के लिए उन्होंने ज़िद करी। हमने कहा कि आपको भी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन बुआ जी ने कहा नहीं, तुम सब लोग पूजा में बैठे रहो और हम करते हैं आज आपकी रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब जल्द ही होने वाली है आरती। तो बने रहे वीडियो में और आनंद ले वीडियो का।